दोस्तों अभी मम्मी जी जा रहे हैं जो कि इनसे आशीर्वाद लेते हैं। सो दोस्तों इधर चावल जो कि रख दिए हैं और इधर दाल पेपर से। हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए ब्लॉग वीडियो में। सो दोस्तों कल जो कि विराट का बर्थडे हम लोग मनाए और बहुत सारे हमारे यूट्यूब फैमिली ने बहुत ज्यादा विराट को आशीर्वाद दिए, उसके लिए दोस्तों आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि और अभी दोस्तों सुबह का समय हो चुका है, सुबह का बज चुके हैं दोस्तों 9 और यहाँ का दोस्तों नज़ारा आप लोग देख लीजिए, बहुत ही मस्त व्यू है। और फैमिली वाले जो कि लोग आए हुए हैं, रिलेशन हाँ। वाले, तो उनके लिए दोस्तों खाना जो कि बनाए जा रहे हैं, वो लोग जाने के लिए बोल रहे थे सुबह सुबह ही हाँ, लेकिन गुड़िया जी मना कर रहे हैं और हम मना किए कि नहीं, खाना उना खा करके जाइएगा। तो वो लोग हैं जो कि रुके हैं, कुछ मेहमान जिसे 2-4-5 वो मतलब ऐसे कुछ लोग होते हैं जो ज़रूरी काम उनको रहते हैं वो चले जाते हैं, ठीक है। और आप लोग दोस्तों बता दूँ, कोई भी कार्य हम लोग करते हैं या कोई उत्सव हम लोग मनाते हैं तो फैमिली वाले बहाना के तौर पे चले जाते हैं, है ना। ऐसे लोग नहीं आते हैं नहीं, फैमिली वाले, जैसे कि देखिए हमारे फूफा जी, ऐसे इनको बुलाएंगे तो ये नहीं आएंगे हाँ। और उधर और उधर भैया जी हैं गुड़िया जी का हाँ। और गुड़िया जी को एग्जाम दिलाने के लिए वो भैया लेकर के जाते थे, है ना। तो रोल अच्छा खासा रहा है, उन्हीं के साथ में जाते थे जब मेरा मैट्रिक का एग्जाम पड़ रहा था, तो यही लेकर रोज जाते थे और लेकर आते थे हाँ। तो आज और ये फूफा जी जो कि हमको हेल्प किए हैं जब मैं मोबाइल रिपेयरिंग सीखने के लिए पैसे की हमको जरूरत थी ना, तो यही फूफा जी हमको हेल्प किए थे हाँ। तो इनकी भी मतलब बात को हम जिंदगी भर याद रखूंगा कि नहीं, मतलब कुछ तो किए ना, तो इनका मतलब बात जो कि मैं जिंदगी जो ये एहसान किए वो तो जिंदगी भर भूलूँ नहीं, चाहे ज्यादा करे या कम करे, एहसान एहसान होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर उस समय प्रॉब्लम के समय था ना, तो उस समय साथ दिए थे, है ना। तो और यहाँ पर आकर देखिए कितना बड़ा काम है जो कि कर रहे हैं खाना है जो कि सारे फैमिली के लिए बना रहे हैं, फूफा जी ही बना रहे हैं, बोले कि रहने दो बेटा हम बना लेंगे, बना रहे हैं फूफा जी ही। देखिए फूफा जी और भैया जी दोनों साथ मिलकर के दाल इधर रेडी कर दिए हैं, तो देखिए एकदम हलवाई की तरह बनाए हैं, अंदर ले जाकर सब्जी देखिए क्या दलवा हाँ, दलवा रख देना। चलिए आइए भैया जी, एक चलते हैं दलवा। सो अभी दोस्तों चीकू के पापा जी और मेरे बड़े वाले और भी हमारे घर यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट टाइम आए हैं 2 साल के अंदर हाँ, में यहाँ तो बहुत ज्यादा लोग हैं ना जो कि फर्स्ट टाइम ही यहाँ पे आए हैं, तो मुझे दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा। कल बारिश हो गई थोड़ा बहुत, तो उसमें किचकिच हो गया, लेकिन हाँ, थोड़ा हुए अगर ज्यादा होते ना तो बहुत दिक्कत हो जाते, ज्यादा परेशान हुई हो जाती, लेकिन कम हुए ना तो वो भगवान से मैं मतलब बहुत ज्यादा खुश हूँ हाँ, ज्यादा बारिश नहीं करवाए, थोड़ा ही बारिश करवाए, उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जब बारिश हो रहे थे ना तो हम लोग बहुत सोच रहे थे हाँ, सोच रहे थे और भगवान जी को याद कर रहे थे। सो दोस्तों इधर चावल जो कि रख दिए हैं और इधर दाल, पेपर से झाक दीजिए गुड़िया जी, पेपर वाला है ना पेपर है हाँ, पेपर से झाक दीजिए। कल ही दोस्तों पेपर मंगा लिए थे, आधा के जी या पाव भर होगा, कितना दीजिए पता नहीं, पाव भर नहीं हाँ, ढक दीजिए बढ़िया से। दाल चावल तो रख दिए हैं, सब्जी बन जाएंगे, उसके बाद मेहमान लोगों को खिलाए जाएंगे और उसके बाद इन लोगों को विदा करूंगा। मम्मी जी भी आज ही चल जाएंगे ना हाँ, आज ही चल जाएंगे हाँ, क्योंकि मेरे पापा जी नहीं आए, मेरे पापा जी चल गए हैं बाबा धाम चल गए हैं भोले बाबा जी पे जल चढ़ाने के लिए हाँ। तो आज आए हैं, तो सुबह ही आ गए हैं, तो इसलिए उनको आज जाना जरूरी है, नहीं तो नहीं मेरे पापा जी बाबा धाम जाते हैं तो मम्मी जी को आज भर रोक लेते हैं, पापा जी आए तो पूजा वूजा फिर करना रहेगा ना हाँ। तो चलिए मेरी फैमिली, आप लोग हैं जो कि ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। One hour later. सभी लोग हैं जो कि खाना खा लिए हैं और टाइम हो गए हैं दोस्तों 10 से ज्यादा, तो ये लोग हैं जो कि अब जा रहे हैं हाँ। मैं तो चाह रहा हूँ कि ये लोग रुके, बट बहुत मतलब काम होता है, अपना अपना घर काम होता है, काम होता है, वो तो किसी तरह से दोस्तों आ जाते हैं, वो बहुत बड़ी बात हो जाती हाँ, है। तो और भी दोस्तों लोग हैं जो कि आगे गए हुए हैं, मतलब 2 टोटल 3 टेम्पो लोग हो जाएंगे हाँ। तो चलिए मेरे डिफरेंट आप लोग को उन लोग को दिखाता हूँ और देखिए कैसे जा रहे हैं सब ऑटो पर लोड होकर के। क्या ही बोलूँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को, अच्छे से हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट किया और अभी थोड़ा मायूस जैसा हम लोग को लग रहा है क्योंकि और मेरे मम्मी जी भी जा रहे हैं, सभी लोग जा रहे हैं, खाली मेरी मम्मी जी और चलिए इसलिए दादा। सो दोस्तों अभी आए हुए मामा के यहाँ, मामा जी के घर के पास, और ये देखिए दोस्तों मामा वाला जो ऑटो भर गया है और इधर एक और ऑटो किए हैं और उधर उसमें एक और ऑटो है, मतलब 3 ऑटो फुल हो गए हैं, नहीं आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे।
तो मम्मी जी और फूफा जी और मेरे सिस्टर लोग हैं जो कि सभी लोग हैं जो कि बैठ गए हैं और अब है जो कि ऑटो खुलने वाली है। तो चिकू के पापा जी ना गए हैं बाइक लाने के लिए क्योंकि इसमें ना दो इंसान नहीं बैठ पा रहे हैं तो वो लोग को ना वो बाइक से छोड़ देंगे। हाँ दो गो बाइक। हाँ बाइक वाला लाने गए हैं तो लेकर आएंगे तो ऑटो है जो कि खुलेंगे तब आप सभी को दिखाएंगे। तो दोस्तों अभी मम्मी जी जा रहे हैं जो कि इनसे आशीर्वाद लेते हैं। चाहे ऊपर हो जाता है और इधर बुआ जी खुश रहे और इधर मेरे भाई है। तो दोस्तों अभी ये लोग जा रहे हैं तो बहुत ही मायूस हो रहे हैं। तो दोस्तों अभी मम्मी जी और मेरे भैया लोग हैं जो कि चले गए तो अच्छा नहीं लग रहे हैं फिर भी क्या करें। तो और इधर देख लीजिए चिकू के पापा जी बाइक से जा रहे हैं छोड़ने के लिए। ठीक है निकलिए। हाँ तो निकल रहे हैं और सब लोग को दोस्तों गाड़ी धरवा करके आएंगे। बहुत सारे लोग मेहमान और बहुत सारे लोग हैं जो कि मामा जी खुद पहुंचा करके आएंगे मुझे घर पे। तो सेफली दोस्तों हम लोग चल रहे हैं। चलिए दोस्तों अभी बाय बाय बाय। सो दोस्तों सभी मेहमान हैं जो कि चले गए तो अभी हम चलते हैं अपने घर पे और आप लोग वहाँ जाकर दिखाते हैं कि अभी वहाँ का नज़ारा कैसा हो गया है। बहुत सोना सोना लग रहे हैं फिर भी क्या करें। इंसान जब आते हैं तो उनको जाना ज़रूरी होता है क्योंकि उनको भी घर पे काम रहता है ना। इसलिए सभी लोग हैं जो कि चले गए तो अभी चलते हैं हम घर। मम्मी को अभी रोड पर से छोड़ के आ रहे हैं और अभी जा रहे हैं घर। तो आप सभी को अभी घर का जाकर नज़ारा दिखाते हैं। बहुत सोना सोना लग रहे होंगे तो चलिए आप सभी को दिखाते हैं। और चिकू के पापा जी ना चले गए हैं जो दो इंसान बच गए थे ना उनको छोड़ने के लिए। चलिए आप अभी आप सभी को घर दिखाते हैं कि मेरा कैसा घर लग रहा है। कल ना मेरा घर बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे और क्योंकि बहुत लोग मेहमान आए थे और थोड़ा सजावट भी थे और विराट का जन्मदिन था तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। और आज आप सभी को दिखाते हैं। तो अभी आ गए हैं घर और आप लोग देख लीजिए घर का नज़ारा कितना सोना सोना लग रहे हैं। लग रहा है कि कोई इंसान यहाँ पे है ही नहीं। ये देख लीजिए सुबह और शाम और कल ना बहुत ज़्यादा दम अच्छा लग रहे थे लेकिन आज बहुत ज़्यादा सोना सोना दिख रहे हैं। ये देख लीजिए और अब ना हम लोग अभी हम और अब ना हम और चिकू के पापा जी आएंगे तो दोनों मिलकर साफ़ सफाई है जो कि करेंगे। बहुत सारा एकदम कचरा है जो कि बिखरे नज़र आ रहे हैं आप सभी को क्योंकि मेहमान आते हैं तो भीड़ भड़ाका में इसी तरह का हालत हो जाता है। ये देख लीजिए। तो चलिए चिकू के पापा जी को आने देते हैं तो आप सभी को ब्लॉग बनाकर दिखलाएंगे। इस आउटरो को ना हम लोग 26 तारीख को कंटिन्यू कर रहे हैं और जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं ना ये शूट हुआ था कितने तारीख को ग्रेजी 22 तारीख को और उसके बाद दोस्तों एक वीडियो डालना है ना जिसकी वजह से लेट हो गया। क्यों उसी समय हम लोग वीडियो डाले थे तो इतना डिले नहीं आप लोगों को ब्लॉग देखने के लिए मिलता। तो डिले इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग ही काम भी कर रहे थे हर एक चीज को देख रहे थे तो वीडियो अपलोड करने का टाइम ही नहीं मिला एडिटिंग करने का टाइम ही नहीं मिला है ना जिसके कारण से दोस्तों ब्लॉग जो कि आप लोग को लेट मिला। दो दिन तो दोस्तों ब्लॉग ही नहीं आए थे इसी चलते ये वीडियो आप लोग को आज देखने के लिए मिल रहा है क्योंकि शूट था तो मैंने सोचा कि चलो डाल देता हूँ। तो आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताइए आप लोगों को कैसा लगा और सभी मेहमान लोग जो आए थे ना वो लोग चले गए तो देखिए चले गए तो एकदम कैसा लग रहा है। और आज है दोस्तों 26 तारीख एकदम तो अजीब टाइप पे दिख रहे हैं ना गुरेज उतना दोस्तों मन नहीं लग रहे मतलब घर में एकदम से लोग आ जाते हैं और उसके बाद एकदम से चले जाते हैं खाली हो जाते सब खाली हो गए उसी दिन खाली हो गए थे 22 तारीख को ही। तो हम लोग को मतलब अच्छा नहीं लग रहा बट क्या करें इसीलिए लोगों देखिए दोस्तों लोगों को बुलाना बड़ी बात नहीं है लोगों को मैनेज करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो जितने भी फैमिली वाले आए थे ना बारिश हो गए थे ना दम सोने के लिए जगह नहीं था तो इसीलिए दोस्तों हम लोग ज्यादातर लोगों को नहीं बुलाते हैं इसी चलते क्योंकि सोने में दिक्कत हो जाते हैं। बारिश हुए थे ना तो लोग बाहर भाग रहे थे उधर उधर जा रहे थे क्योंकि बारिश ना जल्द ही छूट गए उसके बाद जो कि यहाँ का मिट्टी जानते ही है कि आधा बालू और आधा मिट्टी है एकदम सूख गए थे तो सब आंगन में ही सोए थे। तो इसी चलते यहाँ जगह नहीं दोस्तों मेरा पर्सनल जगह नहीं है ये मामा जी का जगह है
तो वो घर एक ही घर है जिसमें खाना वाला सामान और उसमें महिला लोग, तो इसमें महिला लोग तो पूरे लोग आठ तो नहीं पाएंगे ना, छोटा सा है उसमें सामान वामान, तो इसलिए दोस्तों लोगों को बुलाना बड़ी बात नहीं है, लोगों को मैनेज करना बड़ी बात हो जाती है, इसलिए ज्यादा दोस्तों लोगों को नहीं बुला पाते हैं। तो चलिए आप लोग जितने भी हमारे रिलेशन वाले आए थे आप लोग देखें और चले भी गए। तो दोस्तों आज के वीडियो ना हम लोग यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं दोस्तों की वीडियो आप सभी को अच्छे लगे होंगे, अगर अच्छे लगे होंगे दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो लोग चैनल पर सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे और खुशियां बांटते रहें ताकि भगवान आपको और ज्यादा खुशियां बांटने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।